निर्माण कार्यों में अनियमितताओं की शिकायत तो आम है और ऐसे तमाम शासकीय निर्माण कार्य आपको देखने मिल जाएंगे जिनमें जमकर लापरवाही की जाती है। लेकिन जब यह लापरवाही मुख्यालय में हो और जिम्मेदार कहें कि ऐसा तो होता रहता है, तो आप इतना जरूर समझ लीजिए भ्रष्टाचार के खेल का सिस्टम कितना मजबूत है। मामला शहडोल जिले के अंतिम छोर पांडव नगर स्थित निर्माणाधीन बिल्डिंग दिव्यांग छात्रावास का है। दरअसल जिला मुख्यालय में 4 करोड़ की लागत से शिक्षा विभाग की एक छात्रावास बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसका निर्माण कार्य PIU के अधीन है। गुणवत्ता विहीन निर्माण की जब शिकायत हुई तो अधिकारी इसकी जाँच करने पहुँचे। जाँच में बिल्डिंग के लिए बनाए गए कुछ पिलरों को तोड़ा गया तो उनमें कई कमियां पाई गई, लेकिन इन कमियों को मामूली बता रहे हैं। कहते हैं ऐसा हो जाता है, हमने ठेकेदार को हिदायत दे दी है, लेकिन मामला महज शिकायत तक सीमित नहीं है। ना कोई बड़ी पेनाल्टी और ना ही ठेकेदार पर कोई बड़ी कार्यवाही और निर्माण कार्य फिर शुरू। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि घटिया निर्माण के बाद बनी यह बिल्डिंग कितने दिनों तक चलेगी और इसकी गुणवत्ता की जांच महज बिल्डिंग के रंग रोगन तक तो सीमित नहीं रह जाएगी। सर छात्र निर्माणाधीन छात्रावास है, कुछ पिलर तोड़े गए, सर क्या कारण था पिलर तोड़ने का? आवश्यकता रही होगी, कुछ निर्माण कार्य जो तोड़ने लायक रहा होगा तोड़ा गया, और ये तो नियम है कि अगर सही निर्माण नहीं है कहीं कुछ त्रुटि है तो तोड़वाया जाए। नहीं नहीं कार्रवाई बहुत सी छोटी बात पे नहीं की जाती है, समझाइश दी जाती है कि भविष्य में ऐसा मैं इसको ध्यान रखें कि इस तरह की गलतियां ना हो, और अगर कोई चीज़ संज्ञान में आती है कि खराब हुई है, गलत हुई है, त्रुटिपूर्ण हुई, गुणवत्तापूर्ण नहीं हुई, तो उसको तोड़ दिया जाए। और तोड़ना ही उसका नुकसान है, तोड़ने में उसके लेबर खर्चा होता, सीमेंट जाती, गिट्टी जाती, सब चीज़ जाती, समय वेस्ट होता, पुनः करना पड़ता। तो ये नियम है कि उसको तोड़वा दिया जाए, जो भी कार्य मापदंड अनुसार नहीं है उसको तोड़ के फिर से बनाया जाए। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के शहडोल से अखिलेश मिश्रा की रिपोर्ट।